इधर जयपुर एसीबी की अजमेर के रूपनगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसआई घासीराम को एसीबी ने 40,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। एसआई सियाराम मौके से फरार हुआ है। एएसपी आलोक शर्मा, नीरज गुरनानी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जयपुर एसीबी के अजमेर के रूपनगढ़ में यह बड़ी कार्रवाई है, जहां एएसआई घासीराम को एसीबी ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। एसआई सियाराम मौके से फरार हुआ है, जबकि एएसआई घासीराम गिरफ्त में एसीबी के 40,000 की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्त में लिया है एसीबी ने। एएसपी आलोक शर्मा, नीरज गुरनानी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार जिस तरह से एसीबी का घुसखोरों पर शिकंजा कस रहा है और नए साल की शुरुआत के साथ ही कार्रवाई भी उसी अंदाज में तेज गति के साथ की जा रही है। और अब जयपुर एसीबी ने अजमेर के रूपनगढ़ में यह बड़ी कार्रवाई की, जहां एएसआई घासीराम को एसीबी ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। वहीं एसआई सियाराम मौके से फरार हो चुका है। तलाश है एसीबी को। एसआई सियाराम की एएसपी आलोक शर्मा, नीरज गुरनानी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कामयाबी एसीबी को मिली। एएसआई घासीराम गिरफ्त में है, जबकि एसआई सियाराम मौके से फरार है। 40,000 की रिश्वत की रकम ली जा रही थी, रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्त में आया है एएसआई घासीराम। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अहम कार्रवाई है, पूरी जानकारी चाहेंगे, फिलहाल क्या किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, वाकई में आज जयपुर एसीबी टीम ने जो अजमेर है वहां का जो रूपनगढ़ थाना है वहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो वहां का जो घुसखोर एएसआई है घासीराम, वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन जो एसएचओ है वहां का एसआई सियाराम बिश्नोई, वो मौके से फरार हो चुका है। उसको जैसे ही भनक लगी एसीबी कार्रवाई की और वो वहां से फरार हो गया। एसीबी ने जो घासीराम है उसे 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पीछा करके इसे यहाँ पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, धारा 308 का मुकदमा था। उस धारा 308 के मुकदमे में जल्दी चालान पेश करने के एवज में लगातार परिवादी को धमकियां दी जा रही थी, अगर आप रिश्वत नहीं दोगे तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। अंततः वो जयपुर एसीबी के पास पहुंचा था परिवादी, और परिवादी को पहुंचने के बाद एडिशनल एसपी आलोक शर्मा को इस पूरे मामले का टीएलओ बनाया गया। और उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये पूरी कार्रवाई है डीजी वीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमर के निर्देश पर की गई है। इस वक्त जो रूपनगढ़ थाना है वहां से थोड़ा सा तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होटल रॉयल है, वहां पर होटल के अंदर एसीबी इस पूरी कार्रवाई को कर रही है। नवीन, एसआई सियाराम का कुछ पता चला? वो मौके से फरार है। बिल्कुल, एसीबी की टीम है, जो आरोपी है, जो फरार आरोपी है एसआई सियाराम बिश्नोई, उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। एसीबी की 3 टीमें हैं वो इस पूरे प्रकरण में गठित कर दी गई है। और एडीजी दिनेश एमएन वो इसी मुख्यालय से बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएसपी नीरज गुरनानी और सीआई स्वर्ण सिंह वो वहां पर मौके पर मौजूद है, वो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दूं तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर एसीबी ने जो एएसआई है उसका पीछा किया था। वो अपनी कार में बैठकर परिवादी को बैठाकर किशनगढ़ से अजमेर लेकर जा रहा था, जब ही एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद जो अजमेर का जो रूपनगढ़ थाना है वहां पर हड़कंप का माहौल है, क्योंकि एक एसएचओ और एक एएसआई यानी दो बड़े लेवल के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी। और 40,000 रुपए की रिश्वत एक बड़ी रिश्वत की रकम है जो एसीबी ने इनको लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को जब्त किया है और एसीबी की टीम है जो दोनों आरोपी है उनके घरों पर रवाना करवा दी गई है। घर की सर्च की जा रही है और घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद में नवीन आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कार्रवाई जारी है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।